क्लेस्टोथीशियम मिलता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम के अंदर, क्लेस्टोथीशियम एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स के अंदर मिलता है, ठीक है। फिर जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जिब्रेला फ्यूजिकोराए से, या फिर दूसरा नाम इसी का है फ्यूजेरियम मोनोलाई करके कुछ, ठीक है। फिर एफ्लाटॉक्सिन जो है एस्परगिलस फ्लेवस से मिलता है, एफ्लाटॉक्सिन एस्परगिलस फ्लेवस से मिलता है, जिब्रेलिक एसिड जो है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराए या फिर फ्यूजेरियम की स्पीशीज से मिलता है, ठीक है। होलोकार्पिक फंजाए, होलोकार्पिक फंजाए जो पूरा का पूरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से जाता है, तो वो है मतलब अब वो कौन जाएगा जो एक ही सेल का होगा, ठीक है। तो यीस्ट एक ही सेल का होता है, जो है सिंचाइट्रियम भी एक ही सेल का होता है, ठीक है। सिंचाइट्रियम वो है जो ब्लैक वाट ऑफ पोटैटो डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। वाट डिसीज़ ऑफ पोटैटो सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ठीक है। काइटिन का फॉर्मूला होता है C18H13O5N, ठीक है। तो दोबारा से इसका फॉर्मूला देखते क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है काइटिन का फॉर्मूला होता है C18H13O5N, ठीक है। N का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल, कार्बन के 18 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 13 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे कैसे हुआ कि 18 मॉलिक्यूल कार्बन के, फिर 5 कम कर दिए 13, और फिर 5 ही रह गया बस, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन 1। तब तक हमने पढ़ा क्लिस्टोथीशियम कहाँ पर मिलता है, क्लिस्टोथीशियम मिलता है, क्लिस्टोथीशियम जो होता है वो बंद होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उस तरीके की जो फ्रूटिंग बॉडी मिलती है वो मिलती है हमें पेनिसिलियम और एस्परजिलस के अंदर, ठीक है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस के अंदर मिलती है हमें क्लिस्टोथीशियम, ठीक है। पूरा बंद फ्रूटिंग बॉडी होता है वो, तो क्लिस्टोथीशियम पेनिसिलियम और एस्परजिलस के अंदर, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड हमें पता चल गया किससे मिलता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराए से, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन मिलता है एस्परगिलस फ्लेवस से, ठीक है, एस्परगिलस फ्लेवस से मिलता है। डैम्पिंग ऑफ सेटलिंग डिसीज कौन कॉज करता है, एंडोबायोट्रम सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम, होलोकार्पिक फंजाए, यीस्ट और सेप्रोलो सिंचाइट्रियम, ठीक है। वाट डिसीज ऑफ पोटैटो सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम, और डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिसीज एंड रूट रोट ये कॉज करता है पाइथियम, ठीक है। काइटिन का फॉर्मूला C18H11O5 और N, ठीक है। काइटिन पॉलीमर है N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन NAC का, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी को कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा है LSD हमें मिलती है क्लेविसेप से, ठीक है। क्लेविसेप से हमें LSD मिलती है, LSD की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, ठीक है। और ये जो ये हेलुसिनेशन कॉज करने का काम करता है, ठीक है। तो लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, ठीक है, दोबारा से बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड, ठीक है। इसीडिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, इसीडिया फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो भी वेजिटेटिव, एक बार चेक करना है, ठीक है। और इसीडिया जो होती है ये लाइकेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर हमें रोशेला से मिलता है, ठीक है, रोशेला लाइकेन की स्पीशीज से मिलता है। द फंगल जनरली बिलोंग टू, अब जो फंगस लाइकेंस होती है, लाइकेंस के अंदर ज़्यादातर जो होता है वो एस्कोमाइकोटिना मिलता है ग्रीन, और एल्गे के अंदर हमें ग्रीन एल्गी मिलती है, ठीक है। अब परफ्यूम मेकिंग के लिए इवर्निया और रामालीना इनका यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए, ठीक है। डॉग लाइकेन बोलते हैं पेलिटिगेरा को, ठीक है, पेलिटिगेरा को डॉग लाइकेन बोला जाता है। इओस्पोर पक्सिनिया प्रोड्यूस ऑन द, अब पक्सिनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मधु लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीव्स, ठीक है, ई जो ये है ना ए ई, ठीक है, ए ई सो स्पोर, ठीक है, तो ये ए ई ए तो ये नीचे की तरफ मिलता है, अभी इस तो शुरू ही हुआ है, ठीक है, तो नीचे की तरफ मिलता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ए ई जो होता है वो लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी पे मिलता है, ए यू स्पोर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, विच स्पोर पक्सिनिया प्रोड्यूस ऑन द वीट, वीट के ऊपर दो प्रोड्यूस होते हैं, बनते ही वो वीट के ऊपर है, ठीक है। एक तो है यूरिडिया, एक है टिलीशिया, ठीक है, टिलीशिया, ठीक है, तो वो बनता है टिलीशिया और यूरिडिया, ठीक है। तेल लेने गया टिलीशिया, यू तेल लिया, ठीक है, यूरिडिया और टेलीशिया बनते कहाँ पे हैं, वीट के ऊपर बनते हैं, बारबेरी के ऊपर कौन से बनते हैं, एसोस्पोर्स, ठीक है। तो दो तो हो गए, 5 बनते हैं टोटल, दो और बचे हुए। अब मोनोकैरियोटिक स्पोर इन पक्सिनिया, मोनोकैरियोटिक, ठीक है, जिसके अंदर एक ही जो है
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो मोनोकैरियोटिक होता है बेसिड्यूस पोस्ट। ठीक है, पांच चार के बारे में पता चलिए। ठीक है, कौन से अब तक हमें पता चला है, अब तक हमें पता चला है कि बारबेरी लीफ के लोअर सरफेस पर कौन सा प्रेजेंट होता है, ईओस्पोर्स। ठीक है, ईओस्पोर्स। उसके अलावा वीट के ऊपर कौन से बनते हैं, टेलीशिया और यूरिडिया। ठीक है, और उसके अलावा ऐसा कौन सा है जो मोनोकैरियोटिक होता है, वो है यहाँ पे बेसिडियोस्पोर। ठीक है, अब है सैल्मन डिसीज इन फिश सेप्रोलिगोनिया कॉज करता है। ठीक है, फिर है यहाँ पे डाइप्लैनेटिज्म कौन शो करता है, डाइप्लैनेटिज्म शो करता है सेप्रोलिगोनिया। अब डाइप्लैनेटिज्म क्या होता है, डाइप्लैनेटिज्म मतलब होता है कि दो तरीके के स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, दो तरीके के मोटाइल स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करता है सेप्रोलिगोनिया। वोल्फ मास है लेथेरिया वल्पिना। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रखते हैं कि वोल्फ मॉस, और वोल्फ मॉस जो होती है ये वोल्फ मॉस, ये एक तरीके की लाइकेन है। ठीक है, तो लाइकेन के अब तक हमने कौन से एग्जांपल्स पढ़े हैं, लाइकेन में परफ्यूम कौन बनाता है, एवरलिनिया और रामलीना। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा है कि लिटमस रोशेला के स्पीशीज से मिलता है। ठीक है, डॉग लाइकेन वो हम पेटलीनिया को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वॉल्फ मॉस ये है लेथेरिया वल्पिना, लात मार के वोल को निकाल रहे हैं, वोल को पिन रहे हैं। ठीक है, तो लेथेरिया वल्पिना। ठीक है, वोल्फ मॉस। ठीक है, एनालॉग ऑफ स्टोमेटा इन द लाइकेन, तो लाइकेन के अंदर स्टोमेटा जो काम करता है वो साइफेला करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन करता है, साइफेला। लाइकेन के अंदर स्टोमेटा का जो रोल होता है वो कौन करता है, साइफेला। ठीक है, सॉफ्ट रोट ऑफ स्वीट पोटैटो इज कॉज्ड बाय राइजोपस टोलोनिफेरा। ठीक है, अब एक तो होता है भाई हमने रेड रोट ऑफ शुगर केन पढ़ा। ठीक है, कोलोट्रैकम फैलगेटम। ठीक, अब यहाँ पे एक होता है सॉफ्ट रोट ऑफ स्वीट पोटैटो के अंदर सॉफ्ट रोट। ठीक है, तो सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो जो स्टोरेज ऑर्गन्स में होती है, मतलब ठीक है सॉफ्ट रॉट वो होती है, तो ये राइजोपस टोलोनिफेरा फर करता है। ठीक है, हॉस्टोरी ऑब्जॉर्प्टिव ऑर्गन इन द फंजाई हॉस्टोरिया होता है। ठीक है, वाटर माउल्स सेप्रोलोगोनिया। ठीक है, वाटर माउल सेप्रोलोगोनिया डायप्लैनेटिज्म होता है, सेप्रोलोगोनिया जो है वो फिश के अंदर डिजीज कोज करता है। ठीक है, डाउनी माइल्डी ऑफ ग्रेप्स पर नोस्पोरा। ठीक है, पर नोस्पोरा जो है वो एक तो होता है सरसोस्पोरा। ठीक है, सरसोस्पोरा जो है टिक्का डिसीज कोज करता है। ठीक है, मूंगफली के अंदर एक आते हैं यहाँ पे डाउनी माइल्डी ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, डाउनी माइल्डी ऑफ ग्रेप्स नीचे, मतलब डाउनी माइल्डी ऑफ ग्रेप्स जो लोअर सरफेस पे होती है लीव्स के। ठीक है, डाउनी माइल्डी ऑफ ग्रेप्स ये कॉज करता है, ये सरसोस्पोरा नहीं करता, ये परनोस्पोरा करता है। ठीक है, परनोस्पोरा। सरसों तो चलो ठीक है भाई, सरसों में परसों, ठीक है सरसों अभी परसों में है। ठीक है, ये और भी लेट है ग्रेप्स के अंदर, तो परनोस्पोरा। ठीक है, और ये ओमाइकोटा का मेंबर होता है, ये एक अंतर है यहाँ पे, ये ओमाइकोटा का मेंबर है, ओमाइकोटा। ठीक है, हाँ ओमाइकोटा, जिससे जो है ओस्टिलागो बिलोंग करता है, फाइटोप्थोरा बिलोंग करता है, पाइथियम बिलोंग करता है, और सेप्रोलोगोनिया भी बिलोंग करता है वहीं से ही। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब पाउडरी माइल्ड्यू के लिए होती है एरिसिफे। ठीक है, एरिसिफे पाउडरी माइल्ड्यू कॉज करता है एरिसिफे। ठीक है, एरिसिफे ये एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है। ठीक है, एस्कोमाइकोटिना का और कौन सा मेंबर है, जैसे यीस्ट है ना, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, अब है वेक्टर फॉर द वायरल डिसीज ऑल्पीडियम। ऑल्पीडियम एक ऐसा फंजाई है जो कि वेक्टर का काम करता है। ठीक है, वो वेक्टर का काम करता है वायरस डिसीज को फैलाने में, मतलब वो खुद अपने ऊपर, उसके ऊपर वायरस आएगा, वो किसी और प्लांट के अंदर जो है वायरस डिसीज को कोज करता है, ऑल्पीडियम। ठीक है, और एक और हमने पढ़ा था ऑयस्टर मशरूम क्या करता है, वो एक प्रेडेटर होता है और वो अटैक करता है राउंड वर्म्स पे। ठीक है, ऑल्पीडियम। ठीक है, फिर यहाँ पे माइकोरीजा से क्या फ़ायदा होता है प्लांट्स को, वाटर और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वैम वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइकोरीजा। इसके अलावा हमने एक एलएसडी पढ़ा था। ठीक है, क्या फुल फॉर्म थी उसकी, वैम ग्लूरोमाइकोटा का मेंबर्स जो होते हैं वो वैम में, मतलब फंजाई में के अंदर जो वैम होता है उसके अंदर ग्लोरोमाइकोटा का मेंबर होता है। बोरोडॉक्स मिक्सचर एक फंजीसाइड है,
फ्लैग्स मट यूरोसिस्टिस कॉज करता है वीट के अंदर, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट पक्सीनिया, पॉइजनस वीट एमेंटिना, अगेरिकस आइलैंडिकस, कैप्रिनस, ठीक है, ये सारे जो है ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है। एक और हमने पढ़ा था लैको कुछ करके, वो उसके अलावा एडिबल फंजा है मार्शीलिया, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रेस, लाइकोपरडॉन, उसके अलावा जो ये ट्रफल्स होते हैं, ठीक है, मोरल्स होते हैं, वो सब कुछ भी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन्स, गोल्गोट्रागम फैल्केटम, इम्परफेक्ट फंजा है, ड्यूट्रोमाइकोटिना का मेंबर होते हैं, डस्टबिन ऑफ फंजा है, ड्यूट्रोमाइकोटिना को ही कहा जाता है। अब टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड में सरसोस्पोरा पर्सोनाटा, ठीक है, इसके अंदर एक और है सरसोस्पोरा अराकिडिकोला, ठीक है। माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, नॉन मोटाइल थिक और सेक्सुअल स्पोर्स हाइपनोस्पोर्स, ठीक है, जो नॉन मोटाइल होते हैं और जो थिक होते हैं उन्हें हम हाइपनोस्पोर्स बोलते हैं, और जो नॉन मोटाइल है और वो थिन है और एसेक्सुअल है, ठीक है, थिन है और एसेक्सुअल है उसे हम एप्लैनोस्पोर, ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा हाइपनोस्पोर और एप्लैनोस्पोर के अंदर, ठीक है। तो हाइपनोस्पोर जो होते हैं वो थिक होते हैं और एप्लैनोस्पोर जो होते हैं वो थिन होते हैं, होते दोनों ही नॉन मोटाइल है। सिट्रिक एसिड जो है वो एस्पर्जिलस नाइगर प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड को, ठीक है। इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ द फंजाई सेक्सुअल प्रोडक्शन इज एब्सेंट, ड्यूट्रोमाइकोटिना। एक गॉट डिसीज ऑफ राई क्लेविसेप्स कॉज करता है, ठीक है, क्लेविसेप्स जो है एरिगोट डिसीज ऑफ राई कॉज करता है। क्लैम्प कनेक्शन जो आपको बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में देखने को मिल जाएंगे, क्लैम्प कनेक्शंस, ठीक है, बेसिडियोमाइकोटा। लूज मट ऑफ बार्ले ऑस्ट्रेलियागो बार्ले, ये कॉज करता है ऑस्ट्रेलियागो हिरिडिया। कवर्ड स्मट ऑफ शुगर केन ऑस्ट्रेलियागो स्कैंटामिना, और विप स्मट ऑफ वीट भी। यीस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन बी का। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है न्यूरोस्पोरा को, उसके अलावा एराबिडोप्सिस के ऊपर भी जो है प्लांट किंगडम के किए जाते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा लेबोरेटरी वीड एस्परजिलस को कहा जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी वीड एस्परजिलस, और जो ये ड्रोसोफिला जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की जाती है वो है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एस्परजिलस कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, ठीक है, एस्परजिलस जो है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ भी है। एल्बियो को बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एल्बियो को कैंडिडा बिलोंग्स टू ओमाइकोटा, अब ये क्या है फाइकोमाइसिटीज से, ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज पहले कहते थे तो मीन्स माइकोटा ना बोलते थे, बाद में देख के बताते हैं, पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हेटोथैलिसम डिस्कवर्ड बाय ब्लैक्सली। अब ब्लू ग्रीन माउंट, अब तक हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या कि वीड ऑफ लेबोरेटरी वेस्परचुलस को बोलते हैं हम, ठीक है, और अब ग्रीन माउंट, ग्रीन माउंट बोलते हैं हम लोग पेनिसिलियम को, ठीक है, ग्रीन ब्लू ग्रीन माउंट पेनिसिलियम, और पिंक माउंट न्यूरोस्पोरा, ठीक है। जूस्पोर ऑफ एल्ब्यूगो फ्लैजिला, जो एल्ब्यूगो होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, तो जो होते हैं ना उसके जूस्पोर्स वो लेटरल साइज में प्रेजेंट होते हैं, वो अनइक्वल होते हैं उसके फ्लैजिला, ठीक है। फंगस जिसके अंदर माइसिलियम नहीं होती वो यीस्ट है। फंजाई विच ग्रोन वुड ज़ाइलस, एपी का मतलब तो ठीक है ऊपर हो गया, ठीक है, एपी और ज़ाइलस, ज़ाइलस होता है यहाँ पे ज़ाइलम से है, ठीक है, ज़ाइलम वहाँ पे होगा, वुड के अंदर होता है एपी ज़ाइलस, ठीक है। शॉटगन फंजाई, शॉटगन फंजाई क्योंकि वो जब अपने स्पोर्स रिलीज करता है बहुत ज़्यादा स्पीड पे करता है, ठीक है, तो उसे शॉटगन फंजाई बोलते हैं पाइलोबस को। पाइलोबस जो है वो एक कैप्रोफिलस है, मतलब जो ये काउडंग पे ग्रो करने वाला एक फंजाई है, ठीक है। अब पाइलोबिलस जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये बताइए आप, मेरे ख्याल से ये मिक्सोमाइकोटिना को बिलोंग करता है, ज़ाइगोमाइकोटिना मिक्सो, जो उनसे कभी बताना, ठीक है। फंगल सेल को स्ट्रेन करने के लिए हम जो कॉटन ग्लू का यूज़ करते हैं। स्टोर्ड फूड फंजाई के अंदर ग्लाइकोजन है, ठीक है, और फंजाई एक्टिनोमाइसिटीज, रे फंजाई होती है एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। टोरूला कंडीशन राइजोपस में भी मिलती है शायद, और म्यूकर के अंदर भी मिलती है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े वाला कि टोरूला दोनों के म्यूकर के अंदर भी मिलता है, राइजोपस के अंदर भी है, किसके अंदर मिलता है, टोरूला कंडीशन, ठीक है। टोरूला कंडीशन हेटरोथेलिज्म डिस्कवर्ड इन म्यूकर, ठीक है,
यीस्ट सेल वॉल डेवलप्ड ऑफ यीस्ट की जो सेल वॉल होती है वो ग्लूकोज और मैनोज से बनी हुई होती है, तो यहाँ पर काइटिन नहीं होता। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑप्टेन फ्रॉम पेंसिलिन नोटेटम, ठीक है, और किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। फंगस ऑप्टम कॉइंड बाय जी बॉहिन, ठीक है, फंगस टर्म जी बॉहिन ने की थी और जी बॉहिन ने, ठीक है, फंगस टर्म को कॉइन किया था। फंगल स्पोर विच प्रोड्यूस एसेक्सुअली वो कॉइनिडिया होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फंजाई हेटरोट्रॉफ्स थ्रेड लाइक फिलामेंट जो होते हैं फंजाई के अंदर हाइपे बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि बंगाल फेमाइन, बंगाल फेमाइन जो है वो किसने कॉज की थी, ब्राउन लीव स्पॉट राइस, ब्राउन लीव स्पॉट हुए थे राइस के पेड़ पे, और ये किया था हेलमिंथोस्पोरा ओरिजा के वजह से, ठीक है। कैप्रोफिलस जो के डंग पे रहता है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज इन सेल साइज, सेल साइज के अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज इन सेल साइज, ठीक है, ड्यू टू ग्रोथ हाइपरट्रॉफी, मतलब ट्रॉफी मोटी सी होती है तो हमें एक ट्रॉफी मिली जो मोटी सी है, तो सेल का जो साइज़ है वो भी एक ही सेल है लेकिन वो मोटा सा है। हाइपरलेप्सिया इंक्रीज इन साइज नंबर, यहाँ पे क्या होता है नंबर के अंदर इंक्रीज होता है हाइपरलेप्सिया के अंदर, ठीक है। फंजाई शो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, और फंजाई जो होते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्लब फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं। यीस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना, डेथ कप एमेंटिना को बोलते हैं। हनी फंजाई बिलोंग टू अर्मिलेरिया, अर्मिलेरिया, हनी फंजाई अर्मिलेरिया को बोलते हैं, और जो अर्मिलेरिया है यही सबसे बड़ा फंजाई भी होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर है वो अर्मिलेरिया ही है, अर्मिलेरिया, और इसी को हनी फंजाई बोलते हैं, ठीक है। पिंक मॉल्ड किसे बोलते हैं, ग्रीन ब्लू ग्रीन मॉल्ड किसे बोलते हैं, ठीक है, याद आ गया होगा। आई विश ब्रैकेट फंजाई पॉलीपोरस को बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई पॉलीपोरस, ठीक है, और शॉटगन फंजाई पाइलोगस, ठीक है। सल्फर मशरूम, सल्फर मशरूम पॉलीपोरस, पॉलीपोरस सल्फर मशरूम। क्लेविसेप इर्गोटामाइन और इर्गोट ऑफ राई वो भी क्लेविसेप कॉज करते हैं। जाइमेज और इन्वर्टेस सेक्रोमाइसिस सर्वे से कॉज कर मतलब ऐसे में मिलते हैं जाइमेज और इन्वर्टेस, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक डेथ का फंजाई एमेंटिना को बोलते हैं, ठीक है। हनी फंजाई आर्मिलेरिया को, सबसे बड़ा फंजाई मतलब सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन है पूरी धरती पर इस वक्त, वो है आर्मिलेरिया, ठीक है। उसके अलावा ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई पॉलीपोरस को बोलते हैं। बेकर्स फंजाई यीस्ट को बोलते हैं, तो सभी को पता है। सल्फर मशरूम पॉलीपोरस, ठीक है, सल्फर मशरूम भी पॉलीपोरस है, सल्फर मशरूम पॉलीपोरस और ब्रैकेट फंजाई पॉलीपोरस, ठीक है। उसके अलावा पाइलोबस शॉटगन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि क्लब फंजाई में पता चल गया वेस्डोमाइसिटीज, यीस्ट फंजाई बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना, डेथ कप एमेंटिना, हनी फंजाई अर्मिलेरिया, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म अर्मिलेरिया, ब्रैकेट फंजाई पॉलीपस, बीकर्स यीस्ट ईस्ट और ये, ठीक है, ये सब हो गया भैया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला का वो है किंगडम है, मतलब ड्रोसोफिला का आता है प्लांट किंगडम का। लिटमस पेपर हमें रोशिला से मिलता है। एस्कोस्पोर एंडोजीनस ओरिजिन के होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस होते हैं, बेसिडियो बी से शुरू हो रहा है बाहर, ठीक है, तो वो एक्सोजीनस के होते हैं और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस के होते हैं। बुरगुंडी मिक्सचर जो होता है उसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है, नाइट्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रोजन कार्बोनेट होता है और कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन कॉपर सल्फेट हो गया, नाइट्रोजन कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, दो बार से बोलते हैं। बर्गुंडी मिक्सचर कौन सा होता है, कार्बन कार्बोनेट, दो बार से बोलते हैं, ठीक है, बर्गुंडी मिक्सचर कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है उसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो बर्गुंडी मिक्सचर के अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और वाटर होता है, ठीक है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर एल्बियो कैंडिडा, वोल्फमोस वोल्फमोस लेटवानिया वल्पिन्ना, लेटवानिया वल्पिन्ना, सलमन डिजीज सेप्रोलोगोनिया, विच लाइक इन परफ्यूम परफ्यूम इवर्निया और रामेलिना, ठीक है। फ्लैक्समट डिजीज यूरोसिस्टिस, वेक्टर फॉर वायरल डिजीज ओली ऑलपीडियम, ऑलपीडियम वेक्टर होता है वायरल डिजीज को कॉज करने के लिए। सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, राइजोबस्टोलोनिफर, स्टोमेटा का एनालॉग होता है साइफिला, ठीक है, साइफिला।
और इसीलिया इसे वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। सॉफ्ट रोट ऑफ स्वीट पोटैटो और राइजोपस टोलोनिफर, ठीक है, राइजोपस कॉज करता है, और वेक्टर फॉर वायरल डिजीज ऑप्टीडियम ऑल्पीडियम। वाइट रस्ट वोल्फ मॉस लथवानिया वेक्टर फॉर साइफिलिया, हाइपरट्रॉफी हो गया, हाइपरलेप्सी हो गया, सेफ फंजाए एस्कोमास्टिस को बोलते हैं, फंजाए का जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिएंट और वो लेती है, ठीक है। उसके अलावा क्लब फंजाए बेस्डोमास्टिस यीस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिकम डेथ कप हनी भी, ठीक है, ब्रैकेट फंजाए यीस्ट, ठीक है। रिडोटॉप शुगर किंग कलोट्रैकम सिंचाइट्रियम एंड यीस्ट इज अ होलोकार्पिक फंजाए, सेपरलोगोनिया काइला एक्वाटिक फंजाए, पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिब्रेलिन फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म और जो है ये फ्यूजेरियम डेचिया एमेंटीना कैप्रोफिलस फंजाए पेलोबस क्लिस्टोथीशियम फाउंड इन एस्पर्जिलस एंड पेनिसिलियम क्लिस्टोथीशियम, ठीक है, क्लिस्टोथीशियम पेनिसिलियम और एस्पर्जिलस के अंदर मिलता है। परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल प्रोडक्शन जो कर सकती है, ठीक है। राइजोपस फाइकोमास्टिस को बिलोंग करता है, हेटरोथेलिज्म ब्लैक्सली ने डिस्कवर किया था, और पैरासेक्सुअल साइकिल डिस्कवर्ड बाय द पेंटोकोर्वो और रेपर, पेंटोकोर्वो और रेपर ने पैरासेक्सुअल डिस्कवर की थी, ठीक है। हेटरोथेलिज्म ब्लैक्सली ने डॉलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइकोटिस के अंदर होता है, क्रूजर अकर्स इन एस्कोमायसिटीज, ठीक है। एलएसडी के फुल फॉर्म क्या होती है ये सोचो भैया, और एलएसडी मिलता है हमें क्लेविसेप्स से, ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन जो है ये आपको पक्षीना के अंदर देखने को मिलता है, और ये एक हाईली एडवांस्ड फॉर्म होती है। हर्टविंग नेट जो आपको एक्टोमाइकोरिजा के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको जो है ये भी देखना है। और पाउडरी माइल्ड्यू कॉज बाय द एरेसिफ पे, ठीक है, और डाउनी माइल्ड्यू कॉज बाय द पर्नोस्पोरा, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द एस्पर्जिलस फ्लेवस एफ्लाटॉक्सिन, और डॉलीपोर सेप्टम ये हो गया हर्टविंग नेट एफ्लाटॉक्सिन क्लेरोडर्मा, अच्छा वैम एसिडेड इन ग्लैरोमाइकोटा और विल डिजीज कॉज बाय फ्यूजेरियम, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो एस्पर्जिलस नाइगर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम ऑफ बेसिडियो ओमाइकोटा, प्राइमरी माइसीलियम बेसिडियो ओमाइकोटा का कैसा होता है, वो होता है मोनोकैरियोटिक, ठीक है, सिंगल उसका होता है बाद में फ्यूजन वर्क कर जाता है वो, और वो होमोकैरियोटिक, ठीक है, मोनोकैरियोटिक एंड होमोकैरियोटिक होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लैम्प कनेक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमायसिटीज, ठीक है। और एस्कोमायसिटीज के अंदर जो है यहाँ पे मोटाइल्स क्रॉसर फॉर्मेशन होती है, ड्यूटरोमायसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और फाइकोमायसिटीज के अंदर जो है मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी माइसिलियम और बेसिडियोमायकोटा आर किस तरीके होता बताओ, मोनोकैरियोटिक एंड होमोकैरियोटिक, ठीक है। एसेप्टेट हाई पे आर्सिनिन, एसेप्टेट हाई पे कहाँ पे देखने को मिलता है, एसेप्टेट हाई पे फाइकोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, एसेप्टेट हाई पे, ठीक है, फंजाई के अंदर दो तरीके के होते हैं फंजाई, ठीक है, या तो वहाँ पे फंजाई के अंदर हाई पे दो तरीके होते हैं, तो सेप्टेट होंगे फिर एसेप्टेट होंगे। अब आपको एसेप्टेट कहाँ पर मिलते हैं, मतलब जहाँ पे आपको सेप्टा ही नहीं मिलता, वो होता है तो फाइकोमाइसिटीज एक ओमाइसिटीज, ठीक है, ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपको एसेप्टेट देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब फादर जो है वो इंडियन माइकोलॉजी का फादर है ईजे बटलर, ठीक है, और वैसे जो है वो मिचले, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एसेप्टेट माइसिलियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास, एसेप्टेट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एसेप्टेट माइसिलियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइकोमाइसिटीज इसको बेसिडियो ट्यूटर तो फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सेप्टेट किसके अंदर मिलेगा, सेप्टेट एस्कॉक के अंदर मिलेगा, बेसिडियो के अंदर और ड्यूट्रो के अंदर, इनके अंदर तीनों के अंदर जो आपको ए सेप्टेट मतलब सेप्टेट मिलेगा, सेप्टा मिलेगा इनके अंदर, ठीक है। राइजोपस सोलोनिफेर बिलोंग्स टू स्टोलोनिफेर बिलोंग्स टू द फॉलोइंग, और राइजोपस क्या कॉज करता है, ये वाला जो राइजोपस स्टोलोनिफेर है ये सॉफ्ट रूट डिजीज ऑफ वो स्वीट पोटैटो कॉज करता है, ठीक है। तो राइजोपस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, एस्कोमाइसिटीज जाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइकोटीज, भाई ये पता करके बताइएगा आप हमें। ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड, ठीक है, ए सेलुलर होते हैं और स्लाइम माउल्ड है मिक्सोमाइकोटिना, ठीक है, मिक्सोमाइकोटिना जो है स्लाइम माउल्ड होते हैं उसके अंदर। इज नॉट ए सेक्सुअल स्पोर, इसमें से कौन सा जो है सेक्सुअल स्पोर नहीं है, कॉनिडियो स्पोरेंजियो स्पोर कॉनिडियो, तो जो है ये ए
फोरेंजियस फ्लोर, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई डायकारियन फॉर्मेशन, डायकारियन कब फॉर्मेशन होगी? प्लाज्मा गैमिंग के बाद, ठीक है। जब प्लाज्मा मिक्स हो गया उसके बाद तो डायकारियोटाइजेशन होगा। गैमिटेंचर कॉपुलेशन इज कॉमन इन,